अच्छा तो आपका सेपरेशन हुआ है? जी हाँ, और पिछले 6 महीने से इसके ससुराल वालों ने इसकी खबर तक नहीं ली है। आपके पति ने भी नहीं? जी नहीं, मेरा ही कभी कभार मन करता है तो मैं फोन कर लेती हूँ, और अगर फोन सुरेश ने उठाया, मेरा मतलब है इन्होंने, तो उनकी हेलो हेलो सुनकर फोन काट देती हूँ। लेकिन उनको शक तो होता होगा कि फोन आपका है। क्योंकि जब हमारा झगड़ा हुआ होता है तो ये भी इसी तरह फोन करते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। I'm sorry, Mrs. Mathur, मगर वो कोई और होगा जो फोन करता होगा। लेकिन सुरेश को एक बार शक हो गया था, उसने वहां से पूछा, श्यामली श्यामली तुम बोल रही हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं रीटा बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने झट से फोन रख दिया। खैर, तो पिछले 6 महीने से कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हो पाई है। जी नहीं, दरअसल हैं तो वो लोग हमारी ही बिरादरी वाले। मुझे तो बस ये चिंता खाए जा रही है कि धीरे धीरे ये बात सारी बिरादरी में फैल जाएगी कि हमारी लड़की घर में आकर बैठी हुई है। तो उनका लड़का भी तो घर में बैठा हुआ है। वो श्यामली जरा समझने की कोशिश किया कर। हमें क्यों समझे डैडी, समझना तो उनको भी चाहिए। मैं इनसे पहले ही कह रही थी कि मेरी शादी बिरादरी के किसी भी लड़के के साथ मत करवाइए। हमें डैडी ने बड़े ही अलग ढंग से बड़ा किया है, और हमारी बिरादरी है बड़ी नैरो माइंडेड, लेकिन ये बदनामी से डरते थे, सोचते थे हमारी बेटी को बिरादरी के एक भी लड़के ने पसंद नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। हमें पता था कि सुरेश के घर वाले बहुत ही पुराने ख्यालों के हैं, वो लोग मुझे जीन्स और शर्ट में देख भी चुके थे, वैसे ही उन्होंने मुझे पसंद भी किया था। फिर भी मेरी भाभी ने सोचा कि हम लोग उन पर यह जता दें कि मैं मॉडर्न किस्म की लड़की हूँ, उन्हीं हालात में पली बड़ी हूँ। लेकिन शादी के वक्त ही मुझे तभी पता पड़ गया था कि ये लोग कुछ ज्यादा ही रीति रिवाज में विश्वास करते हैं, और मुझे इस घर में प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने शादी के रात ही अपने पति से बात करने की कोशिश की, क्योंकि वो इंजीनियर है, मॉडर्न ख्याल के हैं, लेकिन घर में सबसे छोटे होने के नाते वो किसी से कुछ नहीं कह सकते, और पिताजी के सामने मुंह खोलने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। तो मैंने सोचा मुझे को कुछ करना चाहिए। और एक दिन शाम को जब पिताजी घर लौटे और हमेशा की तरह अपना गला साफ किया, बहुत थके हुए लग रहे हैं पिताजी। हमारे घर में बुजुर्गों की ओर आंख उठाकर नहीं देखा जाता। लेकिन मैंने तो आपके पैरों की तरफ देखकर ही पता लगा लिया था कि आप बहुत थके हुए हैं। घूंघट बहू, घूंघट निकालो। अब घूंघट निकालूंगी तो इनका सर कैसे दिखाई देगा, और अगर इनका सर नहीं दिखाई देगा तो। बकवास बंद करो। पार्वती, 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 इस बहू को इस घर के तौर तरीके सिखा दो, और कितने दिन लगेंगे इसे सीखने में। मैं तभी समझ गई थी कि मेरी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। मैं पिताजी और माँ जी के साथ लाख मीठी बात करूं, लेकिन वो अपने पुराने विचार नहीं भूलने वाले। घूंघट की घुटन तो एक तरफ, उस घर में किसी औरत को न्यूज़पेपर तक पढ़ने नहीं दिया जाता, और मुझे तो अपने मायके से ही आदत थी कि आँख खुलते ही सुबह न्यूज़पेपर अपने आँखों के सामने रखने की। एक दिन मैंने जैसे ही न्यूज़पेपर उठाया, घर में कोलाहल सा मच गया। मेरे ससुर ने सुरेश को अपने रूम में बुला लिया। खैर, दिन के वक्त तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी जेठानियों से मुझे पता पड़ गया था कि मैंने क्या गलती की है। और रात को जब वो कमरे में आए, अरेरी जी क्या कर रही हो तुम? नॉवेल पढ़ रही हूँ। शामली, तुम जानती हो इस घर में औरत का कुछ भी पढ़ना मना है। क्यों मना है? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, नॉवेल नहीं पढ़ सकते, और ये कोई ऐसा वैसा नॉवेल नहीं है, शरद चंद्र का नॉवेल है। श्यामली, इस घर के रीति रिवाज। रीति रिवाज? इन्हीं रीति रिवाजों की आड़ लेके
आप लोग औरत का शोषण करते हैं। मर्द इसीलिए चाहता है कि औरत ना लिखे ना पढ़े, ताकि वो उसे हमेशा दबा सके। लेकिन मैं दबने वालों में से नहीं हूं, मैं और जोर जोर से पढ़ूंगी। और जब चंद्रमुखी ने देवदास की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। श्यामली, क्या करूं क्या करूं मैं तेरा? मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने आप के साथ क्या करूं। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, लेकिन इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। कहीं काम करने का तो मैं सोच तक नहीं सकती थी, घर से बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं थी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं ना कि पिताजी हम चारों को एक साथ घर से नहीं निकाल सकते। हाँ, ये तो है। इसलिए हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं जानती हूँ, अगर मैं तंग हूँ यहाँ के बंधनों से तो आप तीनों भी होंगी। आखिर हम इंसान हैं तो हमें इस तरह भेड़ बकरियों की तरह क्यों रखा जाता है? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आप ही बताइए ना दीदी, आप तो बरसों से यहाँ रह रही हैं। श्यामली, यही हमारी किस्मत है, यही हमारी माँ की थी, दादी माँ की थी, हम सभी की है। हमें चुपचाप सहना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं मर गई हूँ और मेरी अर्थी उठने से पहले माँ जी और पिताजी मेरा ये लंबा घूंघट निकाल रहे हैं। मतलब मरकर भी राहत नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। क्या हो गया है तुम लोगों को? सबकी सब बहरी हो गई हो क्या? शर्म मर गई है तुम सबकी आंखों की? क्या बात है पिताजी, क्या हुआ? देखो इनको, अब हमारे घराने की बहू है, नजरें मिला रही है मुझसे। तुझी बहू, मंझली बहू, छोटी बहू, तुम सब मेरे सामने ऐसी ही खड़ी रहोगी? मेरा ख्याल ना सही, कम से कम पिताजी का ख्याल तो करो। क्या हुआ भाई साहब? तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। मंझली बहू, छोटी बहू, अब ये सब क्या हो रहा है? हाँ छोटी बहू, ये क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूं, ये क्या तमाशा हो रहा है? कोई भी अपनी बीवी को डांटने के लिए तैयार नहीं, सब अपने से छोटे की बीवी को डांटते हैं। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। खामोश। आज इनका घूंघट सिकुड़ गया है, कल हमारे खानदान की इज्जत सिकुड़ जाएगी। हमारे घर की बहुएं भी बाकी औरतों की तरह फैशन करेंगी, बाहर जाकर घर का नाम नहीं नाम करेंगी। पिताजी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जी, हमसे ये कहा गया कि हम ऐसा करें। किसने कहा? तुम तीनों अंदर जाओ। तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है, पूछ सकता हूँ क्यों? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी पिताजी, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती, यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। जाओ अपने पीहर वापस चले जाओ, तंग आ गया हूँ तुम्हारी बदतमीजियों से। सुरेश, सुरेश, तुमने पर्दे के पीछे खड़े रहकर सब सुन तो लिया होगा। ले जाओ इसे अपने घर वापस, और ये इस घर में तब तक नहीं आ सकती जब तक बगावत करना नहीं भूलती। तो इस तरह तुम्हें वो घर छोड़ना पड़ा। जी। और अब आप वापस नहीं जाना चाहती? नहीं, इन हालात में तो नहीं, उस घर का ख्याल आते ही मेरा दम घुटता है। पर आखिर इस सबका नतीजा क्या निकलने वाला है? कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। यानी आप तलाक नहीं चाहते, सिर्फ ये जानना चाहते कि कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है। जी हाँ,
इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, वरना सीधा तलाक दिलवाने वाले तो कोर्ट में बहुत सारे वकील। वकील साहब, मैं आपकी पूरी फीस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बच्ची की जिंदगी बचा लीजिए। बिरादरी के दो तीन बुजुर्गों ने कोशिश की थी, लेकिन इसका ससुर अब कोई भाषा समझेगा तो वो सिर्फ कानून की भाषा समझेगा। फिक्र मत कीजिए, विल डू आवर बेस्ट। तो क्या सोचा आपने श्यामली गुप्ता के केस के बारे में? श्यामली गुप्ता के पिताजी अपनी बिरादरी को लेकर काफी डरे हुए हैं। हाँ, आप तो श्यामली का ससुर भी तो उसी बिरादरी को बिलोंग करते हैं, बदनामी का डर तो उन्हें भी होगा। हाँ, होगा। तो दो डरे हुए आदमियों को साथ लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि श्यामली के ससुर जी को डराया कैसे जाए? सुरेश साहब, आपको तो श्यामली से कोई गिला नहीं, आप तो उसे चाहते हैं ना? जी हाँ, मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया है। हाँ, सिर्फ अपने पिताजी से डरते हैं, इनकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। डरते हैं, पिताजी की इज्जत करना या उनसे डरना दोनों बातें जायज है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपने जिस लड़की का हाथ थामा है, जिसकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपने ली है, क्या आप उसे निभाने के लिए तैयार है या नहीं? आखिर शादी तो आप दोनों की हुई है ना, आपके दो खानदानों की तो नहीं? लेकिन खानदान तो बीच में आ ही जाते हैं ना। यही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ कि आपका खानदान आपकी शादी के बीच आ गया है। अब आपको फैसला ये करना है कि क्या आप अपने खानदान के खातिर श्यामली को खोने के लिए तैयार है, या आप अपने खानदान वालों को ये बात समझाएंगे कि उनके रीति रिवाजों से श्यामली को तकलीफ होती है। मगर मेरी भाभियां हैं, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होती। श्यामली की परवरिश अलग तरह से हुई है। आप एक इंजीनियर है, आप पढ़ी लिखी बीवी चाहते थे, सो आपको मिली। लेकिन अब सब ऐसा तो नहीं हो सकता जिंदगी में कि चित भी आपका हो पट भी। और जहां तक आपके भाभियों का सवाल है, कौन कहता है उन्हें इस तरह की जिंदगी जीने में तकलीफ नहीं होती? अगर ऐसा होता तो उन्होंने उस दिन श्यामली का साथ नहीं दिया होता। अब ये बात और है कि उन्होंने इस परंपरागत मजबूरी को स्वीकार कर लिया है, वरना आप एक दिन उन औरतों जैसी जिंदगी जीने की कोशिश तो कीजिए। हाँ, मैं इन्हें इतना लंबा घूंघट निकालकर घर में घूमते हुए देखना जरूर चाहूंगी। फिर घूंघट में ही अपनी इंजीनियरिंग करना, और जब दफ्तर के लिए निकलोगे ना, तब अकेले नहीं, सारी पलटन आपके साथ जाएगी। तो मैं क्या करूं? वो बताने के लिए हम बैठे हैं ना हुजूर। बस बस, देखिए ऐसा है कि अब आप ऊपर जाकर अपने पिताजी के दिल में हमारा डर बिठा दीजिए, हैं? उसके बाद आकर हम सब संभाल लेंगे। जी अच्छा, चलो। छोटे मियाँ तो मान गए। अब छोटे मियाँ मान गए तो बड़े मियाँ भी मान ही जाएंगे। और पर तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि मियाँ बीवी और राजी तो क्या करेगा काजी। पिताजी। कहो। पिताजी, वो फोन आया था। किनका? वो लड़की वालों का। क्या कहा? छोटी बहू अपनी गलती मानने को तैयार है तो फिर फोन क्यों किया था? ये पूछने के हमारा इरादा क्या है? जो भी हो, उन्हें उससे क्या? पिताजी, 6 महीने हुए अलग हुए, और कुछ दिन अगर बीत गए तो वो ये दावा कर सकते कि मैंने अपनी बीवी को डेजर्ट कर दिया है, यानी छोड़ दिया है। किसे करेंगे दावा? बिरादरी में कौन सुनेगा उनकी? पिताजी, कोर्ट तो अपनी बिरादरी वालों की नहीं है। कोर्ट? कैसी कोर्ट? जी वही, जहां तलाक मिलता है। तलाक? जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर मैं श्यामली को घर वापस नहीं ले आया तो हमारा तलाक कर देंगे। खामोश, हमारे खानदान में आज तक तलाक नहीं हुआ। महेश्वर दयाल की यह हिम्मत कि विश्वम्भरनाथ को धमकी भिजवाई है, बिरादरी में हुक्का पानी नहीं बंद करवा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन है? हम लोग श्यामली के वकील हैं। ओह, तो उनके वकील हैं आप, यहाँ कैसे आए हैं? स्टेशन तक गाड़ी में आए, उसके बाद फिर वहां से। इनका मतलब है आप यहाँ क्यों आए हो? हाँ, देखिए ऐसा है कि गुप्ता जी ने जवाब तलब किया है कि अब आपका आगे का क्या इरादा है। गुप्ता जी से कहिएगा कि इस खानदान में आज तक तलाक नहीं हुआ। यानी वो अपनी लड़की को वापस भेज दें? लेकिन अगर उन्होंने मुझे कानून की धमकी दी तो इस खानदान में तलाक भी होकर रहेगा। जी जी, ये वो सर है जो कट सकता है, झुक नहीं सकता। देखिए, यहाँ कटने या झुकने का सवाल ही नहीं है। आप दोनों बुजुर्ग अपने बच्चों के खातिर आपस में बैठकर इस समस्या का हल क्यों नहीं ढूंढते? आप जा सकते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप। इन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। मजाक कर रहे होंगे। नहीं, जाहिर है आप
मजाक नहीं कर रहे। चलो चलो चलते हैं। अरे मरवा दिया ना माथुर साहब, बात अच्छी खासी रुकी हुई थी, अब तलाक तक आ पहुंची है। गुप्ता जी बात कब तक ठहरी रहती, इस तरफ या उस तरफ होनी तो थी ही। और मुझे लगता है हमें सुरेश के पिताजी के पहले रिएक्शन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर उसमें समझ कम और गुस्सा ज्यादा होता है। लेकिन अब किया क्या जाए, सवाल ये है। देखिए एक मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा अपना कर देख लिया भाई। ना यूं ना पकड़ी, क्यों पकड़ ली? आप फिक्र मत करिए, ये चाहे पकड़ में ना आए वो आ जाएगी। मगर कैसे? हमने फैसला किया है कि हम सुरेश के तीनों भाइयों से मिलेंगे, वो तो अपने भाई की मजबूरी समझ पाएंगे। देखिए सुरेश की मजबूरी हम अच्छी तरह समझते हैं, हमारी पूरी सहानुभूति उसके साथ है। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? आप अपने पिताजी को समझा सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आप अपने भाई की जिंदगी यूं बिगड़ने नहीं देंगे। अगर बड़े भैया चाहें तो वो उनसे बात कर सकते हैं। अरे छोटे तू बात मुझ पर क्यों डाल रहा है? एक दो बार तो तुझे भी मैंने हंसते बोलते देखा पिताजी के साथ, तू बोल देना। लीजिए आपने बात उल्टा मुझे पर डाल दी। देखिए ये बात पिताजी और सुरेश के बीच में है, अगर आप उनके बीच में हमें ना लाएं तो बेहतर होगा, आप हमें तो माफी कर दीजिए। वैसे सुरेश तू घबराना नहीं, अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो हम हैं तेरे साथ। अब हम चलते हैं, मुझे फैक्ट्री जाना है। हाँ ऑफिस में तो फोन मेरे भी आने शुरू हो गए होंगे। देख सुरेश तू बैठ इनके साथ, देख अगर कुछ हो सकता है तो। हाँ घबराना नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा जी, अच्छा नमस्कार। नमस्कार, चलो। अब सुरेश साहब ये मर्द की जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है, आधी अपने पिता से डरते हुए गुजर जाती है और आधी। खैर अब तो फैसला आप ही को करना है कि आप आगे की जिंदगी कैसे गुजारना चाह रहे हैं, अब तो आपके भाइयों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, मेरा ख्याल है आप उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से निकलते हुए तीन रास्ते आपके लिए बंद हो चुके हैं, अब एक अकेले रास्ते पर आपको अकेले चलना होगा। आपके बड़े भैया ये जरूर कह गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो होगा उसे देखना तो आप ही को पड़ेगा, उनका क्या जाएगा, वो तो अपनी गृहस्थी में खुश है। मुझे उनसे ये आशा नहीं थी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। आप अपना घर उजड़ने से बचाइए, चाहते हैं ना आप श्यामली को, समझते हैं ना उसकी दुविधा को, तो बस अलग हो जाइए उसके साथ। अलग? जी ये पहली बार तो नहीं कि एक लड़का अपनी जॉइंट फैमिली को छोड़कर अलग घर बसा रहा है। हम तो जानते हैं कि जॉइंट फैमिली के अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो उसके कुछ बुरे पॉइंट्स भी हैं। और देखिए हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आपके पिताजी को आपकी बात समझ में आ जाए, जो बात आप लफ्जों में न कह पाए वो इस तरह उन तक पहुंचा। यानी कि छोटा घर छोड़ रहा है। और करता भी क्या जब सब भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया। मतलब आप खूब जानते हैं, और सच कहूं मुझे गर्व है उस पर, किसी में तो हिम्मत है। अगर वो अलग हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या कब तक अपने पिताजी के कुर्ते का कोना पकड़ के चलते रहोगे? दिला रहा है ना छोटी को उसकी आजादी, और एक हम हैं कि पिस रहे हैं इस घर में। मैंने भी ये घर का सपना देखा है जहां आप हो, मैं हूं, हमारे बच्चे हैं। नहीं सही जाती अभी रोक टोक। मैं कहता हूं अपनी जबान को लगाम दो। नहीं दूंगी। छोटी बहू ने जो किया है ठीक ही किया है। तो उस दिन पिताजी के सामने तुमने उसके साथ क्यों छोड़ दिया? गलती की, कर गई थी मैं, अपने माँ बाप का ख्याल आया मुझे, और आज तक मैं अपने आप को कोसती रही। लेकिन छोटा घर छोड़ सकता है, आप क्यों नहीं? आप तो घर में सबसे ज्यादा कमाते हैं ना। ठीक है, चोरू के गुलामों, अपनी बीवियों के फरियाद देकर मेरे पास आए हो? हम तो आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि छोटे के घर छोड़ने का बाकी सब पर क्या असर पड़ रहा है। जाओ, सबके सब चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। पिताजी
आज तक मैंने आपके सामने कभी मुंह नहीं खोला। आज सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जब एक बार इस तरह घर टूटता है तो टूटता ही चला जाता है। बहुत अकेला पड़ गया हूं पार्वती, ये सब क्या हो रहा है? लगता है आपका हमारा जमाना नहीं रहा। मैं तो उसी तरह रही जिस तरह आपके घर वालों ने रखना चाहा। कुछ नहीं बोली, सब कुछ सहती रही, मगर कभी मुंह नहीं खोला। मगर अब आपसे एक विनती है, मेरे छोटे को रोक लीजिए। वो बहुत नेक है, उसकी क्या गलती है? बेटे, जाने की तैयारी हो गई? जाओ, खुश रहो। ये दिन भी देखना था जब ये खानदान का चिराग अपने पुरखों के घर को ठुकरा कर बाहर रहने जा रहा है। तुझे आशा होगी कि मैं तेरे सामने गड़गड़ाऊंगा और कहूंगा ये घर छोड़ के मत जा। मैं तो इस कमरे में कदम भी नहीं रखता, लेकिन तेरी मां के आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया। अब बता, क्या चाहता है? इस सर को झुकाऊं तेरे सामने और कहूं कि बेटे घर छोड़ के मत जा, ले अपनी बहू को यहां? नहीं नहीं पिताजी। तो सुन, ये मेरा आदेश है कि तू यहीं रहेगा अपनी बहू सहित। लेकिन वो घूंघट? कह देना कि कट गया वो घूंघट, कटकर छोटा हो गया, लेकिन मैं उसे यहां देखना चाहता हूं कल ही। ऐसा इस बार हनीमून पे जाए तो बच्चों को भी साथ लेके जाना। अरे अरे, ठीक है करें। आप लोगों की आंखों की शर्म मर चुकी है तो क्या मेरी भी मर जाए?